बड़ी खबर मिल रही है चिराग पासवान को बीजेपी का न्योता। खबर है 18 जुलाई के एनडीए की बैठक में उन्हें बुलावा भेजा गया है। जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्हें इस बैठक का न्योता मिला है जो कि 18 जुलाई की होने वाली है। एनडीए की इस बैठक में चिराग पासवान को बीजेपी का न्योता मिला हुआ है। तो देखिए, तमाम अटकलों के बीच अब ये न्योता मिल चुका है चिराग पासवान को। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो नीरज, जिस तरीके से अब इस बैठक में बुलाया गया है, क्या मान करके चले कि मुहर लग जाएगी, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा साथ का? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज ने 6 जुलाई को ही ये बात दुनिया को बता दिया था कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी और उसमें चिराग पासवान शामिल होंगे बतौर एनडीए के घटक दल के रूप में, एनडीए के मेंबर के रूप में। आज ये ऑफिशियल लेटर भी सामने आ चुका है जो कि 8 जुलाई को लेटर भेजा गया है जेपी नड्डा जी की तरफ से चिराग पासवान को। मेरी जानकारी के अनुसार चिराग पासवान इस बैठक में शामिल होंगे जो होटल अशोका में 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और इसमें यही नहीं, करीब ऐसे 24 दल हैं जिनको एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नेता दिया गया है। आपको एक और बहुत रोचक जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को कि ये 25 साल एनडीए के 25 साल पूरे हो चुके हैं। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर एक ये बड़ा ग्रैंड शो होगा एनडीए की तरफ से। बिल्कुल ग्रैंड शो होगा और 2024 के साथ ही साथ बिहार की राजनीति में क्या इम्पैक्ट होगा ये भी देखने वाली बात होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।